વધતા સંક્રમણને અટકાવવા દમણ પ્રશાસન હવે એલર્ટ થઈ ગઈ છે અને નિયમો વધુ કડક બનાવી દીધા છે। હવે બહારથી દમણ કે સેલવાસમાં પ્રવેશ કરવો હોય તો વેક્સિનના ડબલ ડોઝ ફરજિયાત હશે તો જ પ્રવેશ મળશે। સંઘ પ્રદેશ દમણ દ્વારા વધતા કેસોને લઈ મહત્વના નિર્ણય લઈ નિયમોને વધુ કડક બનાવી દીધા છે। દમણમાં પહેલાથી જ રાત્રિ કર્ફ્યુ અમલમાં છે અને વધુ એક મોટો નિર્ણય દમણ પ્રશાસને લીધો છે। દમણમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રવાસીઓ અને ધંધા રોજગારને લઈ બહારથી લોકો દમણમાં પ્રવેશ કરતા હોય છે, જેને લઈ દમણમાં કેસોના વધે તે જોતા તે માટે અન્ય રાજ્ય એટલે કે મહારાષ્ટ્ર ગુજરાતમાંથી તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી દમણમાં પ્રવેશ કરતી વેળા વેક્સિનના ડબલ ડોઝ લીધા હોય તેવા જ લોકોને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે અને જેમની પાસે ડબલ ડોઝના વેક્સિન સર્ટી ના હોય તેવા લોકોના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે। આજથી દમણની તમામ ચેકપોસ્ટ પર પોલીસ દ્વારા વેક્સિન ડોઝને લઈ સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે। नमस्ते दोस्तों, मैं तपस्या राघव, जिला कलेक्टर दमन, आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूं। पिछले कुछ दिनों में दमन में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसके कारण एहतियात के रूप में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि कल यानी कि दिनांक 6 जनवरी 2022 से आगामी सूचना मिलने तक सभी प्राइमरी स्कूल एवं आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। साथ ही दमन जिले के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रैवलर्स को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। पर इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम पुनः पूरी मुस्तैदी से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजर्स इत्यादि का उपयोग प्रारंभ करें। मेरा सभी उद्योगों, सभी एस्टैब्लिशमेंट, सभी दुकानदार मित्रों, होटल ओनर्स, मैनेजर्स, अन्य सभी प्रकार के कर्मचारी तथा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने कार्यस्थलों, उद्योगों, होटलों, गाड़ियों में मास्क पहनना सुनिश्चित करें तथा ऐसा करना अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। यदि किसी भी उद्योग में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कोई भी व्यक्ति कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वॉयलेट करता पाया गया तो ना सिर्फ उस व्यक्ति पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा बल्कि उस उद्योग, होटल इत्यादि के मालिक की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी। प्रशासन द्वारा जिन जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी प्रतिदिन सूचना प्रकाशित की जाती है। जिस भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है उससे ये अनुरोध है कि वे तुरंत अपना दूसरा डोज ले ले। यदि आपके घर में कोई वृद्ध या कोर मोर्बिडिटीज वाले व्यक्ति हैं तो आपको सावधानी रखने की और भी ज्यादा जरूरत है। पिछली बार की तरह जितना कम से कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है परंतु संयमित रहने और सावधानी रखने की पूरी आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपके सहयोग से प्रशासन इस महामारी से पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा। हमारी लाइव न्यूज 24 चैनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ जेथी आवना न्यूज अपडेट्स नी नोटिफिकेशन आप सभी सबसे पहला।